आप सोच भी नहीं सकती कि आपके वापस आ जाने से हम सब कितने खुश हैं। अंदाजा है मुझे। आप भी खुश हैं ना? हम लड़कियां अजीब तकदीर लेकर आती हैं इस दुनिया में बेटा। जब हम खुश होती हैं तो हमारी खुशी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब सब खुश होते हैं तो हमारे अंदर कहीं हमारी जात रो रो कर फरियाद कर रही होती है, लेकिन हम खुद ही उस फरियाद को अपने अंदर दफन कर देती है। सिर्फ इसलिए कि सब खुश है। प्लीज भाभी, इतनी मुश्किल बातें नहीं करें, मुझे समझ नहीं आती। यकीनन नहीं आती होगी, तुम्हें तो सिर्फ नासिर की बातें समझ आती होंगी। छोड़े उसे, वो इस लायक नहीं है कि उसका यहाँ पे जिक्र किया जाए। तो तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हुई क्या भाभी? अभी तक आपकी और भाई की लाइफ में जो भी डिस्टरबेंस आई, इस चीज का काफी हद तक जिम्मेदार है वो। अगर वो मेरे गिफ्ट को इम्पोर्टेंस देता तो आज ये सब कुछ ना होता। फिर भी यही कुछ होता, और हो सकता है असद कोई और हरबा इस्तेमाल कर लेता। किसकी कॉल है भाभी? हेलो, कैसी है मेरी गुड़िया? बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। ग्रेट, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। जी सब ठीक हो गया भाभी, मैं बाद में बात करूँ, जरा बिजी हूँ। इट्स ओके भाभी, मैं तो जा रही थी, आप बात कर लें। नहीं, लंबी बात है, कुछ काम करने थे, फ्री होकर फिर बात करूँ। अच्छा ओके, आप बैठे, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक।